आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि लंबे समय के बाद मम्मा चिड़िया अंडे देने वाली थी। बाहर तेज बारिश थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। टुन्नु जी, मौसम कितना ठंडा हो गया, अंडों को गर्म सेक देनी बहुत जरूरी होती है। हाँ रानो, लेकिन आग जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो हम अपने अंडों को सेक कैसे लगाएंगे? टुन्नु जी, कब्बों के घर गर्म कंबल है, आप उनसे कंबल मांग लाएं। रानो जी, आप ठीक कहती हो, मैं अभी कंबल लेकर आता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मैं जूं गया और यूं आया। ऐसी बातें कर पापा चिड़िया, तेज बारिश में ही कब्बों के घर चला जाता है और जोर जोर से उनका दरवाजा बजाता है। कब्बो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी टुन्नु चिड़ा हूँ। कालो, इतनी देर रात और तेज बारिश, ये टुन्नु चिड़ा हमारे घर में क्यों आया है? गोरी, इसकी पत्नी अंडे देने वाली है, कल नदी पर इसने बताया था मुझे। ऐसे बोलकर कालू का वह दरवाजा खोलता है। बोलो टुन्नु, इतनी देर रात में कैसे आना हुआ? कालू कौवे, रानो के पेट में दर्द है, वो अंडे देने वाली है और मौसम कितना ठंडा हो गया है, इसलिए आपसे गर्म कंबल लेने आया हूँ ताकि अंडे सेफ रहें। मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि से कंबल मांगता है, लेकिन वो गुस्से में जवाब देती है, जाकर मना कर दो, कोई गर्म कंबल नहीं मिलेगा, वो गर्म कंबल मैंने सर्दियों के लिए खरीदा है, फ्री में सेवा करने के लिए नहीं। अब जाओ यहाँ से। गोरी, बात को समझो, अगर ये बारिश ना होती तो वो हमसे मदद लेने नहीं आता। एक बार कहो या 100 बार, मैं अपना कंबल नहीं दूंगी। गोरी कवि की ये बातें टुन्नु चिड़े को सुनाई दे रही थी। वो मायूस हो जाता है। ये गोरी कवि बहुत बुरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा होगा मैं कहीं से लकड़ियों का ही बंदोबस्त कर लूँ, आखिर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे सोचकर टुन्नु चिड़ा आसपास से लकड़ियों की तलाश करने लगता है। इधर रानो चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। टुन्नु जी, आप कहाँ रह गए, हमारे बच्चों को ठंड लग रही होगी, आप जल्दी से आ जाएं। ऐसे मम्मा चिड़िया टुन्नु का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं मगर टुन्नु चिड़ा घर नहीं आता। मौसम बहुत खराब है, अब तक तो टुन्नु जी को घर आ जाना चाहिए था, अब मैं घर में बैठकर और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। फिर रानो चिड़िया अपने चारों अंडों को छोड़कर घर से निकल जाती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है जो पूरा जला हुआ था, और वहीं टुन्नु चिड़ा भी मरा पड़ा था। अपने पति को मरा हुआ देख रानो को तो गहरा सदमा लगता है, और उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल पाती। वो चुपचाप अपने पति के पास ही गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ, कल रात इस पेड़ पर बिजली गिरी थी और तभी ये दोनों आग की चपेट में आ गए होंगे, बेचारे मर गए। नहीं तोते, बिजली से तो बस टुन्नु मरा है, रानो चिड़िया तो सदमे में आकर मरी है, देखे बेचारी को खरोच भी नहीं आई। लेकिन दोस्तों, मेरी तो ये बात समझ ही नहीं आती, देर रात होने पर ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? सब ऐसे बातें कर रहे थे, वहाँ सब आकर रुक रहे थे, भीड़ हो गई थी, कव्वे पति पत्नी भी वहाँ मौजूद थे। कालू कव्वा खुद को नहीं रोक पाता और सबको बताने लगता है, पड़ोसियों, इन दोनों की मौत की जिम्मेदार ये गोरी है, कल रात रानो चिड़िया ने अंडे दिए थे, टुन्नु हमारे घर गर्म कंबल मांगने आया, गोरी ने साफ साफ मना कर दिया, तभी टुन्नु लकड़ी लेने यहाँ आया और बेचारा बिजली से मर गया, और रानो बेचारी देख कर मर गई। छी गोरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हारी वजह से दो पक्षियों की जान चली गई, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, अगर इन्हें कंबल दे देती अब उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो अभी तक अंडों से बाहर भी नहीं आए और बेचारों के माता पिता चल बसे। फिर सब पक्षियों को अंडों का ख्याल आता है, वो भागे भागे चिड़िया के घर आते हैं और चारों अंडों को गौर से देखते हैं। कालू गोरी, अब से इन अंडों की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ना बाबा ना, मैं चार चार अंडों को नहीं संभाल सकती। गोरी, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है, इसलिए चुपचाप चिड़िया के अंडों की देखभाल करो, वरना हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे और ये बात सब पक्षियों को बताएंगे, तुमने कितना बुरा किया। देखो दोस्तों, मैं अंडों को रखने को तैयार हूँ,
आज से ये मेरे साथ ही रहेंगे, आप सब चिंता ना करें। फिर वो दोनों चिड़िया के अंडों को अपने घर ले जाते हैं। गौरी कविता बहुत गुस्से में थी, वो कव्वे से कहती है, कालू अब ध्यान से सुनो, हम इन अंडों को फोड़ देंगे और सबको झूठ बोलेंगे, ये अंडे अपने आप फूट गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और याद रखना, अगर तुमने इन अंडों के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह से कालू कौवा भी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस दिन के बाद चिड़िया के अंडों को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो पूरा दिन उनके पास ही रहता और ऐसे ही समय बीतता गया। अब अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आए थे। देखो गौरी कितने खूबसूरत बच्चे हैं, अगर टुन्नू और रानो इन्हें देखते तो खुशी से नाच उठते। बहुत सुंदर बच्चे हैं, अब इन चारों के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आओ। अंडों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रख लिया, गौरी ने इतना बोला ही था तभी कबूतर मिट्ठू चील तरह तरह के फल लेकर आते हैं। बहुत खूब कालू कौवे, आपने चिड़िया के अंडों का खूब ध्यान रखा, इसलिए हम सब ये फल लेकर आए हैं। आप इन्हें बच्चों को खिला देना और भोजन की कभी चिंता मत करना, हम सब मिलकर बच्चों के लिए दाना पानी देते रहेंगे। कालू कौवा खुश हो जाता है। भोजन देकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तो बच्चे चुप रहते, लेकिन एक दिन चिड़िया का बेटा सवाल करता है, पापा हम सब तो आपके बच्चे हैं, फिर ये बाहर वाले पक्षी हमारे लिए भोजन क्यों लेकर आते हैं? आप सच सच बताएं, हम कौन हैं और हमारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चों तुम्हारे माता पिता उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम चारों पैदा हुए थे, और तुम्हें हमारी छाती पे छोड़ के चले गए, हमारा तो जीना दुर्भर हो गया। गौरी बच्चों से अच्छे से बातें करो, वरना बाकी सबकी तरह ये बच्चे भी तुमसे नफरत करने लगेंगे, अगर मैंने इनको भी सच बता दिया तो। गौरी चुप हो जाती है। चिड़िया का सबसे छोटा बेटा बोलता है, जो गौरी कवि को बहुत प्यार करता था, पापा हमारी मम्मा को कुछ ना बोले वरना हम चारों आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरी अच्छी मम्मा, मुझे गौरी मम्मा बहुत अच्छी लगती है, आप मेरी मम्मा से झगड़ा ना करें। देख लो गौरी, ध्यान से देख लो, बच्चे तुम्हें अपनी माँ समझते हैं, अब ये बच्चे हमारे हैं, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो। उस दिन के बाद गौरी कव्वे की आंखें खुल जाती हैं और वो चारों बच्चों पर गुस्सा करना छोड़ देती, और धीरे धीरे गौरी को भी बच्चों से प्यार होने लगा था। वो सबका ध्यान रखने लगी थी और सभी के लिए भोजन भी लाने लगी थी। आपका धन्यवाद। ये कहानी उन दिनों की है जब पक्षी सुबह के निकले शाम को घर लौटते, और तब भी दाना किसी को भरपेट नहीं मिलता। रानो बहन मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपको क्या मिला है? कालू भैया मुझे बस ये सूखा अमरूद मिला है, मैंने पूरा जंगल छान मारा। साथियों ऐसे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना होगा। लेकिन क्या कबूतर भाई, इस सूखे के मौसम में पानी तो कहीं बरस नहीं रहा, फिर हम पक्षी क्या कर सकते हैं? मैं एक बूढ़े चील को जानता हूँ जिसकी उम्र खेती बाड़ी में बीत गई। चलो उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। ऐसे बातें कर वो सभी बूढ़े चील के जंगल की तरफ निकल जाते हैं, और शाम होने से पहले बूढ़े चील काका के जंगल पहुँच जाते हैं। बोले पक्षियों आप सबका एक साथ यहाँ आना कैसे हुआ? चील काका जी हम भोजन के लिए बहुत परेशान हैं, दिन भर धूप में उड़ने पर भी कुछ नहीं मिल पाता, और हमारे जंगल में भी बारिश नहीं हो रही। हाँ काका, कालू एकदम ठीक कहता है, हम बहुत परेशान हैं इस सूखे मौसम में, अपने नन्हे बच्चों का पेट कैसे भरें? तो आप सब खेती करना चाहते हो, बहुत अच्छा विचार किया है। हाँ काका, जो फसल कम से कम पानी में उगाई जाए, आप कोई ऐसी फसल बताएं। ठीक है तो आप सब मक्के की फसल कर ले, उसमें एक दो पानी की ही जरूरत होती है। हाँ हाँ काका जी क्यों नहीं, हम मक्के की ही फसल करेंगे। लेकिन कैसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम मक्के की फसल कैसे बोएंगे? चिड़िया तुम चिंता मत करो, मेरे पास मक्के के पुराने बीज रखे हैं, अब वो मेरे किसी काम के नहीं तो वो सारे बीज तुम्हें दे देता हूँ। ऐसे बूढ़ा चील वो मकई के बीज कौवे को दे देता है। वो सब खुशी खुशी अपने जंगल लौट आते हैं। दोस्तों ये जगह मकई बोने के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ से नदी भी पास में है और हम सभी के घर भी।
ठीक है तो सब अपने अपने घरों से फावड़ा ले आएं। पहले इस जगह की खुदाई करनी होगी, तभी हमारी फसल अच्छे से पक पाएगी। ऐसे बातें कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और जल्दी से फावड़ा लेकर उसी जगह पर लौट आते हैं। लेकिन कालू गोरी तो अभी तक नहीं आए थे। ये कालू गोरी कहाँ रुक गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शायद उन्हें फावड़ा नहीं मिला होगा, वो आ जाएंगे। चलो तब तक हम काम करते हैं। फिर वो सब पक्षी दिन भर जमीन की खुदाई करते हैं और उसे खेत के रूप में तैयार कर देते हैं। चिड़िया, खुदाई का काम भी पूरा हो गया, लेकिन ये कालू गोरी कहाँ रह गए? चलो दोस्तों, हम उनके घर चलते हैं, बीज भी तो उन्हीं के पास हैं। फिर वो सब पक्षी कालू गोरी के घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो अपने पेड़ के नीचे ही खुदाई कर रहे थे। कालू, तुम यहाँ क्यों खुदाई कर रहे हो? बीज तो हमें वहाँ बोने हैं। ये बीज मेरे हैं, इन्हें हम अकेले ही बोएंगे, ना कि किसी के साथ मिलकर। लेकिन ये बीज तो काका ने हम सबके लिए दिए थे। चिड़िया, उस बूढ़े चील को हम जानते थे, बीज भी हमारे ही हाथ में दिए थे, तो ये फसल अब हमारी होगी। चलो गोरी, जल्दी जल्दी खुदाई करो, काम बहुत ज्यादा है और तुम सब भी लौट जाओ। गोरी बहन, कृपया हमें थोड़े बीज ही दे दे, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। हमारी मेहनत तो देखें, हमने सारा खेत खोद दिया। छोटी चिड़िया, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें एक भी बीज नहीं देने वाली, अब भाग जाओ यहाँ से। ऐसे वो सब पक्षी उदास होकर अपने खेत में लौट आते हैं और खाली खेत को निहारते हैं। इधर कालू गोरी ने तो अपने सारे बीज बो भी दिए थे। कबूतर भैया, ऐसे उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो हम दोबारा से उन्हीं काका के पास चलते हैं और उनसे थोड़े और बीज मांगते हैं। फिर वो सब पक्षी चील काका के जंगल जाते हैं और उन्हें कालू गोरी की सारी बात बताते हैं। बेटा, अब तो मेरे पास ये धान बचे हैं और इनको भरपूर मात्रा में पानी चाहिए, भूख की खातिर सब करेंगे, आप हमें ये धान के ही बीज दे दें। फिर वो सब पक्षी वो धान लेकर अपने जंगल लौट आते हैं और कड़ी मेहनत से अपना खेत पानी से भरने लगते हैं। वो कई दिनों तक लगातार पानी लाते, लेकिन मटके के पानी से खेत में कोई असर नहीं होता। दोस्तों, ऐसे हम पानी से ये खेत कभी नहीं भर पाएंगे, कोई और विचार लगाओ, मैं तो बहुत थक गया। कबूतर भैया, एक विचार है, हमारा खेत नदी से काफी ऊंचाई पर है, तो क्यों ना हम नदी से लेकर खेत तक पानी का रास्ता बना दें। काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रोज रोज की कड़ी मेहनत से तो बच जाएंगे। चिड़िया का सुझाव सब पक्षियों को अच्छा लगता है और वो नदी से खुदाई करना शुरू करते हैं और दो तीन दिनों में खुदाई करते हुए खेत तक भी पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में खेत पानी से पूरा भर जाता है। सब पक्षी तो बहुत खुश थे। वाह रानू बहन, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब हम आसानी से धान की खेती कर पाएंगे और पानी की कोई चिंता नहीं। कालू, उठो उठो, शायद तुम भूल रहे हो, खेत में पानी भी लगाना है, बीज बोने से कुछ नहीं होगा। गोरी, पानी देने का काम हम अकेले कैसे कर पाएंगे? कालू, अब पानी तो देना पड़ेगा, भुट्टे भी तो बेचने हैं, अब चलो नदी पे। ऐसे कालू गोरी अपने मटके लेकर नदी से पानी लाते हैं। कड़कती तेज धूप में कालू गोरी तो एक दो बार में ही हार जाते हैं और ऐसे अपने खेत को थोड़ा पानी भी नहीं दे पाते। और ऐसे ही समय बीतता गया। धान की फसल भरपूर पानी मिलने से बहुत अच्छी हुई थी, तो वहीं कौवों की फसल का तो एक दाना तक नहीं उगा था। दोस्तों, अब मिलकर सब फसल काटते हैं और बराबर बराबर बांट लेंगे। कालू, हमारा एक भी भुट्टा नहीं उगा और उन मरे चिड़िया कबूतर का तो खेत धान की फसल से भरा पड़ा है। गोरी, चलो जल्दी, हम भी थोड़े बहुत धान उन्हीं से मांग लेते हैं। ऐसे बुरे कौवे भागते हुए धान के खेत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सब पक्षियों ने धान की फसल काट ली थी और आपस में बांट भी ली थी। दोस्तों, हमारा एक भी भुट्टा नहीं हुआ, शायद वो बीज ही खराब थे, अच्छा हुआ जो हमने तुम्हें नहीं दिए, अब हमें भी थोड़े धान दे दो। गोरी, भागो यहाँ से, हम तुम्हें एक चावल नहीं देंगे, तुमने मांगने पर भी हमें भुट्टे के बीज नहीं दिए थे, बड़ा लालच आया था, अब जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, आप ही हमें थोड़े चावल दे दें, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अब मैं क्यों दे दूं? आप अपने भुट्टे क्यों नहीं खाते? शायद तुमने मेहनत नहीं की होगी, तभी तो तुम्हारा एक भुट्टा नहीं हुआ। बुरे कौवो, मैं भी तुम्हें एक चावल नहीं दूंगी। ऐसे चिड़िया भी कौवो को चावल नहीं देती और सब अपना हिस्सा लेकर घर चले जाते हैं। बुरे कौवे तो सबको देखते ही रह जाते।
तेज गर्मियों के आते ही कालू कौवा एक स्विमिंग पूल लेकर आता है। गौरी और उनका बेटा जग्गू कौवा तो खुशी से नाच रहे थे। ये पापा ने कर दिखाया, वो मेरे लिए स्विमिंग पूल ले आए। अब खूब मजे मजे से स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। मेरे अच्छे पापा, मेरे बहादुर पापा, मेरे कालू पापा। हाँ कालू जी, जग्गू एकदम ठीक कह रहा है। आपने ये स्विमिंग पूल लाकर बहुत अच्छा काम किया है। फिर कौवे मोटर पाइप लगाकर स्विमिंग पूल को पानी से भर देते हैं और तीनों खूब डुबकी लगाकर नहाते हैं, शोर मचाते हैं। उनके हंसने की तेज आवाज दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा, कौवे के घर से शोर आ रहा है, पक्षियों की भीड़ भी लगी है, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा। कुकू बेटे, अब तो बाहर जाकर ही पता लगेगा आखिर कौवों ने क्या किया है। ऐसे दोनों माँ बेटा भी वहाँ चले जाते हैं। कालू गोरी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं थका हारा गर्मी में सो रहा था, तुम्हारी डरावनी आवाजों ने मुझे जगा दिया। हाँ, मेरा मुन्ना भी बड़ी मुश्किल से सोया था, इनकी आवाजों से जाग गया। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, सोने के लिए रात होती है, दिन नहीं, और हम तो ऐसे ही मस्ती करेंगे, तुम कहीं और जाकर सो जाओ। इतना बोल के गोरी कालू जोर से पानी में डुबकी लगाते हैं। पास खड़े कबूतर के मुंह पर पानी गिरता है। ये शैतान कौवे ऐसे नहीं मानेंगे, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इस स्विमिंग पूल की सारी हवा निकाल देता हूँ, जब देखूंगा ये पानी में कैसे डुबकियाँ लगाएंगे। कबूतर भैया जाने दो, ऐसे लड़ाई और भी बढ़ जाएगी, आप घर चले। हाँ हाँ चिड़िया ले जाओ इसे, वरना मार मार के शक्ल बदल देंगे इसकी। कौवा तो ऐसे बोल रहा था, चिड़िया लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो कबूतर को वहाँ से ले जाती है। अब तो और भी कौवे जानबूझकर खूब शोर मचाते, गाना गाते, आसपास के पक्षियों को खूब परेशान करते। लो अब तो शांति से रह भी नहीं सकते, इन कौवों ने इतना शोर जो मचा रखा है। पति जी, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप उनसे लड़ाई ना करें, मेरा दिल घबराता है जब आप उनसे लड़ाई करते हो। मम्मा प्लीज, आप भी मेरे लिए एक स्विमिंग पूल ले आए, मेरा जग्गू को देख कर बड़ा मन करता है, मैं भी उसकी तरह स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ। प्लीज मम्मा, मेरे लिए एक स्विमिंग पूल ला दे। नहीं कुकू, ये स्विमिंग पूल बहुत महंगे होते हैं और मेरे पास इतने फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। आप चुप करके नदी में ही नहा कर आओ। आपसे अच्छे तो कालू गोरी है जो जग्गू के कहने से एक ही बार में स्विमिंग पूल ले आए, और आप इसे फालतू का खर्चा बताती हो, कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं लेकर आती, आप बुरी मम्मा हो। कुकू अपना मुंह पीछे कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को इतना उदास नहीं देख पाती। अच्छा कुकू बेटे, अब आपको स्विमिंग पूल में नहाना है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। सच मम्मा, क्या आप मुझे स्विमिंग पूल में नहलाओगी? फिर तो बड़ा मजा आएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर कौवों के स्विमिंग पूल के पास जाकर बोलती है। देखो देखो, अब शिकायत करने ये कमजोर चिड़िया आई है, जरूर उस कबूतर ने भेजा होगा हमसे लड़ाई करने के लिए। नहीं गोरी, मैं कोई शिकायत करने नहीं आई, बल्कि मैं तो इसलिए आई हूँ, मेरा कुकू भी स्विमिंग पूल में नहाना चाहता है, तो सोचा क्यों ना आपके ही स्विमिंग पूल में नहला दूँ। देखो देखो, अब कैसी भोली बन रही है, जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। पीठ पीछे कबूतर से हमारी चुगली करती है, और अब आ गई है फ्री के मजे लेने। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी स्विमिंग पूल में नहाने। गोरी, पानी ही तो है, इसमें आपका क्या घट जाएगा, बस थोड़ी सी देर मेरे कुकू को भी नहाने दो। एक बार का सुनाई नहीं देता, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, और तू आ गई यहाँ मुँह उठा के। हम तेरे बेटे को अपने स्विमिंग पूल में नहीं नहलाएंगे। ऐसे कौवे चिड़िया और उसके बेटे को वहाँ से भगा देते हैं। कुकू तो और भी उदास हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए स्विमिंग पूल बना कर रहूंगी, फिर आप भी उसमें खूब मस्ती करना। कालू, मैं तो पूछना ही भूल गई, आप ये स्विमिंग पूल कहाँ से लाए हो? गोरी, धीरे बोलो, मैं ये स्विमिंग पूल दूसरे जंगल से चुरा कर लाया हूँ, किसी ने तुमको देखा तो नहीं? चोरी करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे ही किसी के पंख नहीं लगता। अब स्विमिंग पूल को घर में रख लो, रात होने वाली है। फिर कालू गोरी अपने स्विमिंग पूल को घर में ले जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तो रानो चिड़िया अपने घर के सामने एक गड्ढा खोदती है। इतना बड़ा काफी होगा, अब इसमें पन्नी बिछा देती हूँ जिससे पानी गंदा ना होगा। फिर रानो चिड़िया उस गड्ढे में चारों तरफ पन्नी बिछा देती है। कालू गोरी देखकर तो खूब हंस रहे थे। कालू, वो
वो देखो चिड़िया का सस्ता स्विमिंग पूल, बेचारी सुबह से गड्ढा खोदने में लगी है। गोरी पागल चिड़िया को क्या देखना, चलो हम तो अपने स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं और गर्मी को दूर भगाते हैं। ऐसे बोलकर कालू गोरी अपने स्विमिंग पूल को पानी से भर लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो वही मेहनती चिड़िया अपना काम कर रही थी। मम्मा ये स्विमिंग पूल तो कबों के स्विमिंग पूल से भी बड़ा है, लेकिन एक कमी है, रुको मैं अभी पूरी करता हूँ। फिर कुक्कू भाग कर घर से नीले रंग का पेंट का डब्बा लाता है और पूरे स्विमिंग पूल को नीला रंग कर देता है। अब तो चिड़िया का स्विमिंग पूल बहुत सुंदर लग रहा था और मम्मा चिड़िया उसे सूख जाने के बाद पानी से भर लेती है। अरे वाह चिड़िया, आपने तो बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बना दिया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन प्लीज उन कब्बों की तरह शोर मत मचाना। कबूतर अंकल जी, मैं बिल्कुल भी शोर नहीं मचाऊंगा और आप भी हमारे साथ स्विमिंग पूल में नहा सकते हो। फिर वो तीनों स्विमिंग पूल में कूद पड़ते हैं और मजे से नहाते हैं। आसपास के सभी बच्चे चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने आते और खूब मौज मस्ती करते। ये देख कर वे तो जल रहे थे। देखो कालू जी, एक दिन भी नहीं लगा और इस गरीब रानो ने हमसे कहीं ज्यादा सुंदर स्विमिंग पूल बना लिया, मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाएगा, मैं जा रही हूँ। ऐसे गोरी का भी घर में चली जाती है, कौवा भी उसके पीछे पीछे जाता है। स्विमिंग पूल में जग्गू अकेला नहाते रह जाता है। तभी स्विमिंग पूल के मालिक चील उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। मम्मा ये देखो हमारा स्विमिंग पूल। ये घर तो कौवों का है, इन्होंने मेरा स्विमिंग पूल चुराया, अभी खबर लेती हूँ इनकी। चील को देखकर कौवे भी घर से बाहर निकल जाते हैं। कौवे सच सच बता, ये स्विमिंग पूल तुझे कहाँ से मिला, वरना बहुत मारूंगी। चील दी, ये स्विमिंग पूल मैं चुरा कर लाया था, लेकिन सच मुझे ये नहीं पता था ये स्विमिंग पूल आपका है, वरना कभी नहीं चुराता, मुझे माफ कर दे। शैतान कौवे, शर्म नहीं आती तुझे चोरी करने में, मैं बताती हूँ चोरी कैसे की जाती है। फिर चील कालू कौवे को खूब पिटाई लगाती है और अपना स्विमिंग पूल लेकर चली जाती है। सब पक्षी कौवों को देखकर हंसते रह जाते हैं और चिड़िया के स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं। आपका धन्यवाद।